हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जी एस अनुकूल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे NIS डेट साथियों के लिए, क्या अपडेट है पश्चिम बंगाल से SLP KBS और आगे जो 5 नवंबर की सुनवाई उसकी क्या रणनीति है। चलिए उसके लिए हम आपको डायरेक्ट जो कि NIS डेट की टीम है विश्वनाथ जी और उनसे आदर्श कुमार जी से बात करवाते हैं। उनका क्या कहना है और आगे की क्या रणनीति है कि भाई NIS डेट को वैलिड कराया जाएगा, 5 नवंबर की सुनवाई पे ये सारी चीज़ें क्लियर होनी है। और जिसको पिटिशनर बनना है या फिर उत्तर प्रदेश में जो और नई SLP या नई केस में जुड़ना है तो सभी सभी के अपडेट के लिए आप डायरेक्ट लाइव चेक देखें KBS की टीम, NIS डेट की टीम है विश्वनाथ जी की। और एक और बंगाल के साथियों का बड़ा मैसेज और फोन आ रहा है, एकदम समझ लीजिए कि पर डे 10 से 15 कैंडिडेट रात में 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे तक लोग फोन कर देते हैं। फिलहाल समस्या उनकी है तो वो फोन करते हैं, इसमें कोई बात नहीं, बट थोड़ा निजी जीवन का भी ध्यान रखा जाए। जो है हम लोगों का फैमिली में लोग हैं तो 11:30-12 बजे फोन ना करें, शाम को 7-8 बजे तक कर लिया करें ठीक रहेगा, और सुबह कम से कम 8 बजे के बाद ही करें तो बेहतर होगा। और वो लोग यही चाहते हैं कि सर हम लोगों का क्या होगा, हम लोगों को रिलीफ कैसे ग्रांट होगी, हमारा क्या होगा, उनकी SLP गई है, वो पीपी के साथ देगी तो जब पीपी का डेट लगेगा तो उसमें SLP की सुनवाई होगी, माइनस SLP। और हम लोगों ने प्लान किया है कि यदि बंगाल के कैंडिडेट चाहे तो हम उनके लिए एक बड़ी राहत के तौर पर काम करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन ये उन्हीं को करना होगा। करना क्या होगा, कुछ फंड, कुछ पैसा लगेगा और कुछ डॉक्यूमेंट लगे, वो हमको देना होगा और जल्द से जल्द देना होगा ताकि हम लोग उसके लिए काम कर सके। हमने ये मैसेज बंगाल तक पहुंचा भी दिया है और ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट के लिए, क्योंकि उनके यहाँ है कि जो एक नोटिफिकेशन आया था, उनके यहाँ रिक्रूटमेंट का सर नियम ऐसा होता है कि 21 जनवरी 2024 तक 2025 तक वैलिड है, उसके बाद वो लोग शायद नए रिक्रूटमेंट में आएंगे, एग्जाम वगैरह पास करेंगे तो फिर उन लोग को शामिल किया जाएगा। तो 21 जनवरी 2025 के पहले वो लोग चाहते हैं कि हम लोग किसी तरीके से शामिल हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो बाहर कर दिया गया। अब उनके यहाँ लड़ाई इस तरीके से लड़ी जा रही है कि वो हाई कोर्ट जा रहे हैं तो पहले से मोटिव बना के जा रहे हैं कि हमको हारना है, फिर हम हारेंगे एक सिंगल बेंच डिविजन बेंच तो SLP में लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो हमारे पास ये सब काम नहीं है, आप हमारे साथ आइए बंगाल के कैंडिडेट, और नंबर है आपके पास, ज्यादा लोग नहीं, 1-2 लोग ही फोन करके पूछ लीजिए जो वहां से चीजों को लीड कर रहे हैं, क्योंकि सबका तो जवाब फोन पे दे नहीं पाएंगे हम लोग। आपको पैसा देना होगा और आप डॉक्यूमेंट देने होंगे, हमारी शर्तों पे आपको काम करना होगा, रिजल्ट हम आपको बेहतर देंगे, इतना वादा है। जैसा कि सभी लोगों ने देखा है, सभी स्टेट ने देखा, पूरे देश ने देखा है कि हमने काम करके दिया तो हम आपके लिए करेंगे। और सिर्फ ये इसी बात के लिए क्योंकि उनका 31 जनवरी 2025 को एक्सपायर हो जाएगा। अपनी व्यथा भी सुनाई है कि सर हम देखिए 40 साल हो गए हैं और यहाँ भर्ती जल्दी आती नहीं है और 31 जनवरी को अब तक हमारा बोर्ड एक्सपायर हो जाएगा, तो हमारे लिए प्लीज जो भी हुआ जिन्होंने भी आपके साथ जैसा किया उसको एक बार बोलते हुए हमारा ख्याल रखिए। तब हमने कहा कि चलो ठीक है, जब इन बच्चों की क्या गलती है, इनको तो गुमराह किया गया है, तो हमने कहा कि ठीक है आप लोग बता दिए गए, डॉक्यूमेंट्स बता दिए गए, कुछ फंड्स वगैरह की जरूरत थे वो भी बता दिए गए, मैंने 1 हफ्ते का टाइम दिया, आप लेके जाइए और देखते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। और मेरे ख्याल से होना चाहिए क्योंकि अनचाहे में आपके साथ गलत हुआ है वो तो पूरा देश जानता है, तो मुझे लगता है कि आपको रिलीफ मिल जाएगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मिल जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए वही है कि कहा तो हमने बहुत पहले ही था ये सब, लेकिन शायद लड़के भ्रमित हो गए, उनको भ्रमित किया गया और भ्रमित करने के लिए तरह तरह के बड़े लीडरशिप भी लगे रहे, इसके बेचारे वो भ्रमित, बच्चों की गलती नहीं होती है, वो ना समझ है और उन्होंने कभी कोर्ट कचहरी का देखा नहीं है, तो जो कोर्ट में है या जो कोर्ट में था उसने उसको कोर्ट से हटकर कुछ ऐसा कुछ समझाया और ऐसा कुछ बताया कि वो लड़के एक साइड ही होकर रहेगा। अब उन्हें थोड़ा सा फीलिंग हो रहा है कि अगली तारीख दिसंबर में लगी है, पता नहीं उस दिन में सुनवाई होगी कि नहीं होगी, और तब तक जनवरी में उनका बोर्ड एक्सपायर हो जाएगा और फिर उनका एज भी खराब हो जाएगा, बाद में बिल्ड होकर क्या ही करेंगे। तो उनके लिए सोचा है और बात की है हमने, वहां से आश्वासन तो मिला है बट उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह बताए हैं जो इनको हमने बता दिए हैं, अगर ये इनमें से कोई आता है और वो जो नियम और क्राइटेरिया हमने बताया अगर उसको फॉलो करता है तो शायद इनके लिए भी कुछ पांच को हम रिलीफ के लिए बात रखवाएंगे। और उस प्रयास ये है कि जो इनकी जो सुनवाई होगी उसके लिए इनका स्पेशल इन्हीं के लिए एक अलग से सीनियर लाया जाएगा, जैसे कि आप लोग देखे हैं कि 2 सीनियर लाए थे तो सभी 5 केस भी थे और रिव्यू भी था, लेकिन इनके लिए स्पेशल एक सीनियर लाने की व्यवस्था की जा रही है और पहले इनके डॉक्यूमेंट वगैरह आते हैं उसके बाद हम देखते हैं कौन सीनियर इनके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और एक कोई रोहित कुमार हैं, लिख रहे हैं कि लिख लीजिए, देखिए आप में कमेंट में दे रहे हैं, लिख लीजिए कि इनवैलिड था, इनवैलिड है, इनवैलिड रहेगा, हम नोट कर लिए हैं अपने नोट, हर बार नोट करते हैं। तो आज का सेशन में हम लोगों ने, क्योंकि पहले हम लोग डिनाई करते रहे थे कि नहीं हम नहीं कर सकते, आप लोग देख लीजिए अपने अपने तरीके से, तो काफी सोच विचार के हमने निर्णय लिया कि अगर ये लोग 5 तारीख के पहले कर देंगे तो हम लोग कुछ देते हैं, 5 के वो हम लोग मतलब 1 से 2 तारीख तक अगर वो अपना डॉक्यूमेंट और पैसे जो हम लोगों की डिमांड है उतना वो सिंपल कर देंगे तो हम उनके लिए कुछ करेंगे।
कॉल्स आ रहे हैं इसकी वजह से जिम्मा लेना पड़ा, अदरवाइज हमने मना कर दिया था, लेकिन कॉल बहुत ज्यादा आ रहे हैं और प्लस उन्होंने एक अपना अपनी व्यथा भी सुनाई है, देश ने देखा, पूरे देश ने देखा है कि हमने काम करके दिया तो हम आपके लिए करेंगे, और सिर्फ ये इसी बात के लिए क्योंकि उनका 31 जनवरी 2025 को एक्सपायर हो जाएगा सर्टिफिकेट जो उन्होंने एग्जाम देके एग्जाम देने के बाद उनको मिला, तो सिर्फ इसके लिए, बाकी ऐसी कोई चीज नहीं है, ना हम लोगों उनके पैसे की इच्छा है, ना ही हमें उनके नेताओं से कोई दुश्मनी है, ना ही हमें उनसे कोई वैचारिक मतभेद है, बट क्या है कि सभी जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं और सब लोग चाहते हैं कि हमारा कुछ हो जाए, तो हम लोगों ने क्योंकि पहले हम लोग डिनाई करते रहे थे कि नहीं हम नहीं कर सकते, वही कह रहे हैं कि टीम अगर निष्क्रिय होती तो ऐसा क्यों होता, टीम ऐसे है, कोई लोग दिखा के करते हैं, कोई लोग साथ करके करते हैं, कोई लोग छुपा के करते हैं, क्या पता हम किस तरह करें हमें ही नहीं पता है, बट ऐसा मत कहिए कि टीम निष्क्रिय है, टीम लगभग मेरे को लग रहा है कि ऑल ओवर इंडिया में हमारी टीम सक्रिय है, जहां से भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं ना उसके आसपास जिलों में भी लोग सक्रिय हैं, हमें पता लग जाता है कि कहां क्या हो रहा है, लेकिन अभी ये संजीव कुमार तिवारी हैं तो अगर इनके साथ कहीं ऐसा हुआ लगा है कि टीम निष्क्रिय है तो अभी तक तो इनका मुझे कॉल नहीं आया है, ये खुद ही निष्क्रिय है, अगर ये सक्रिय होते तो मुझे ही कॉल कर लिया होते, बिल्कुल कॉल कर लिया होते कर रहे हैं, उसमें क्या हुआ कि जब उन्होंने केस किया तो जज साहब ने इनके वकील ने मांग की कि भाई कोई भी जजमेंट पीछे से लागू नहीं होता है, तो इस पे जज साहब ने सरकार से पूछ लिया कि क्या ये ऐसा संभव है, तो सरकार ने यस बोल दिया, उसमें ये थोड़ी ना, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि विज्ञापन पहले आया था और आपको अभी नियुक्ति पत्र नहीं मिला तो उसी उस पर ले लेंगे, ऐसा नहीं है, वो सरकार जो सिलेक्ट है उनको बचाने के लिए ऐसा बोल दी, अगर सरकार उस दिन कह देती कि नहीं नहीं हमें निकालेंगे दिक्कत आ जाती ना, और अगर यही बात अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में आज रख दें कि जो भी विज्ञापन पहले आ गए थे कम से कम उसमें तो ले लिया जाए, अगले विज्ञापन में नहीं लिया जाए, तो इसका आपको सिंपल से सटीक देखिए किसी भी काम को करने के लिए उसमें प्लस और माइनस मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सोचना चाहिए देखना चाहिए, आप इतना जजमेंट हमें भेजे तो आपको एक देवेश कुमार शर्मा का जजमेंट भी पढ़ लेना चाहिए, और उसका अभी हाल ही में है अपडेट है, वो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप सॉरी राजस्थान वाला, छत्तीसगढ़ वाला, बिहार वाला, पंजाब वाला, अभी पंजाब का भी दो दिन पहले डिसमिस हुआ है, दो दिन पहले डिसमिस हुआ है, बेचारे उनकी भर्ती 2019 की थी, 20 में कुछ बच्चों को भर्ती कराया, उसके बाद सरकार ने किसी वजह से रोक दी, 2022 में खुली, जब खुली जब उनको ज्वाइनिंग मिलने जा रहा था तब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, अब लगाइए बेचारों को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा था, उन्हीं की वजह से सरकार जागी, उन्होंने जितना धरना प्रदर्शन किया बेचारों ने, बीएड वालों ने और रेगुलर डीएड ने बीएड ने वहां पर सड़कें जाम कर दी, इतना तगड़ा जाम किया भर्ती को खोली, मतलब भर्ती बहुत पहले आ चुकी थी, फॉर्म सबमिट हो चुकी, बस नियुक्ति पत्र इनके साथ मिलना था, अब जब वो बेचारों का नंबर आया लेने का तब तक सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आ गया, तो बेचारे पहले हाई कोर्ट में लड़े, सिंगल में लड़े, फिर डबल में लड़े, अभी हाल ही दिन पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट आया तो डिसमिस कर दिया, धुलिया साहब 2 मिनट 5 मिनट सुना, बड़े बड़े वकील उतरा था, तो उन बेचारों को तो 30-40-50 लाख रुपए ऐसे खत्म हो गए, तो गलत है कि आ गया, वो नियुक्त जो है उनको बचाने के लिए ऐसा बोला गया है, और उसमें गवर्नमेंट से पूछा था उसने पंजाब गवर्नमेंट से कि ये बताइए कि ये जजमेंट जो आया है भर्ती विज्ञापन के पहले या इनकी नियुक्ति के पहले के बाद, उन्होंने कहा कि ये नियुक्त हो चुके थे तब आया, तो फिर कोर्ट ने कहा कि ठीक है फिर उसके बाद ही लागू होगा, कोर्ट ने पूछा था कि ये जजमेंट पहले से ये कब से लागू होगा, तो वो क्या बोलते हैं उसको ये मतलब जजमेंट लागू होने के पहले से मतलब जिस दिन जजमेंट आया उसके पहले भी लागू हुआ, जिस जजमेंट आया उसके बाद ही लागू होगा, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं जो है जो जजमेंट आया उसके बाद से इसको लागू कीजिए, तो वहां पे पंजाब गवर्नमेंट ने जब ये समर्थन दिया उसके बाद उनको कंसीडर किया गया है, पर ठीक है अगर ये केवीएस वालों को लगता है कि ये बात है तो केवीएस का कोई कैंडिडेट कोर्ट में आएगा तो भी तो ये बात रखी जा सकती है, कोर्ट में आएगा तभी तो बिना आए थोड़ी ना हो सकता है, हाँ भाई किसी का मुद्दा कोर्ट में तभी उठाया जा सकता है जब वो कोर्ट में पिटिशनर हो, केवीएस के कोई साथी हमारे साथ पिटिशनर नहीं है, अगर सिंगल पर्सन भी होता तो हम कोर्ट में केवीएस की तरफ से बात रखते, लॉर्डशिप इनका रिजल्ट आ चुका था जजमेंट के पहले, उसके बाद इनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, उनको लग रहा है कि हमें कुछ विशेष लाभ है इसलिए हम इनको अप्रोच कर रहे हैं आने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, और हमारी जितनी बातें हुई उसको कोई अन्यथा ना ले कि हमने केवीएस के लिए ऐसा बोला, बट हम आपको जो हकीकत है यही बता रहे हैं और हकीकत को बता देना अच्छा रहता है, लेकिन सही बात कड़वी जरूर लगती है लेकिन उसका फायदा बाद में होता है, तो उसपे उस जजमेंट को लेकर के इतना कुछ होने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा आपके साथ ना ये 5 तारीख की जो सुनवाई होगी उसमें जो भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा उसके बाद आपके साथ कुछ पॉजिटिव हो सकता है, उसके बाद उससे पहले तो अगर केवीएस वाले चाहते हैं कि केवीएस के लिए